न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। अनुरोध कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक कि उसका नतीजा यह हुआ है कि इस सभी नंबर पर इतने ज्यादा कॉल्स आए हैं कि सिस्टम जो है फोन सब क्रैश कर गया है। ये सभी राज्यों में पदाधिकारी बनाए गए बिहार की तरह, और वो आपसी पदाधिकारियों के बीच में समन्वय के लिए था। उदाहरण के लिए अगर कर्नाटक में वहां के नोडल पदाधिकारी से बात करनी है ट्रेन के बारे में, तो ये पदाधिकारी का काम था, ये दोनों पदाधिकारी के बीच में समन्वय। अब ये नंबर जो सार्वजनिक हुआ तो दो दिन लगभग कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा हम लोगों का कोई कॉल। तो ये मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि इस बात को हाईलाइट करें, और कृपया जो हमारे नंबर्स हैं बिहार भवन में, आप सभी के पास नंबर हैं, जिस नंबर पर हम लोग इस पूरे अवधि में अपने एक एक कॉल्स को रिसीव किए हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो बिहार भवन के नंबर्स हों, आपदा प्रबंधन विभाग के जो नंबर्स हैं आपके पास हैं, 2294204, 2294205, ये सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा महीने में कितनी बार इसको परिचालित किया जा चुका है, सभी के पास होगा। उसी प्रकार बिहार भवन का ये नंबर है 2379-2009-2301-4326 और 2301-3884। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से यह अनुरोध कर रहा हूं, जैसे हमारे मजदूर भाई जो लोग स्ट्रैंडेड हैं विभिन्न जिलों में देश के भाग में, वो इन नंबर्स पर कॉल करें और हम लोग पूरी तत्परता पूर्वक कार्रवाई करेंगे। पॉइंट नंबर टू, इस बीच में भी इन तमाम मोबाइल कॉल्स पे जो कॉल्स आ रहे हैं, जो अटेंड करना संभव नहीं हो पा रहा है संख्या के चलते, किंतु ये सभी कॉल्स हमारे फॉरवर्डिंग के थ्रू जाकर और हमारे सिस्टम में लॉगिन हो रहे हैं। हम लोगों के पास 15,000 से ज्यादा कॉल जो आए हैं, वो सारे नाम, मोबाइल, किस जगह, जिला हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं। इसलिए ये जो कई जगह मैं सुन रहा था कि सारे फोन ऑफ हैं, ये कारण मैंने बता दिया, फोन ऑफ एज सच नहीं है, कॉल्स की जो संख्या है वो ह्यूमनली दिक्कत हो रही है रिसीव करने में, तो उसको कॉल फॉरवर्डिंग कर दिया गया है। और ये जो भी हमारे भाई बहन जहां से भी कॉल कर रहे हैं उनके एक एक मैसेज को नोट करके, और हम लोगों के पास राज्यवार हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं। पहले भी जितने भी कॉल्स आए थे, ये निर्णय लेने के पूर्व रेलवे वाला जो निर्णय, लगभग 1,00,000 से ज्यादा, चाहे वो बिहार भवन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय हो, चाहे आपदा प्रबंधन, एक एक कॉल की डिटेल्स हम लोगों के पास है। हम लोगों ने राज्यवार मैपिंग कर रखी है, किस राज्य में हमारे मजदूर भाई कहाँ हैं, जो पेमेंट्स हुए हैं 1,000 रुपया जो हम लोगों ने मजदूर भाइयों को दिया है ऐप के माध्यम से, वो सारा मैपिंग है। तो ये हमारे पास पूरी जानकारी है। इसलिए अगर किन्हीं को ये लग रहा है कि वो फोन नहीं कर पा रहे हैं और वो छूट जाएंगे, तो आपके माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको भी कॉल आता हो तो कृपया इस चीज को बता दें कि बिहार सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है, और जो दो दिन में जो कॉल्स आए हैं वो आपको मोबाइल बंद लग रहा होगा, वो सारे कॉल्स फॉरवर्डिंग कर उसकी भी सूचना हम लोगों ने संग्रहण की है। तीसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो रेलवे के द्वारा काम प्रारंभ किया गया है,
पहली ट्रेन श्रमिक स्पेशल आज दानापुर पहुंच गई। आप में से कई लोग थे वहां पर, जानकारी आपको डिटेल मिल चुकी है। तो एक पूरा एसओपी तैयार किया हुआ है। आई मीन देर इज अ कंप्लीटली वेल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर हाउ दीज पीपल आर टू बी रिसीव। चाहे वो बॉर्डर पर आएंगे तो बॉर्डर पर क्या व्यवस्था है हमारी, बॉर्डर पे कैंप्स हैं जहां उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। उसके बाद जिस जिला में उनको जाना है वहां के लिए बसेस तैयार हालत में है। जब वो जिला मुख्यालय आएंगे वहां से उनको प्रखंडों में भेजने के लिए अच्छी व्यवस्था छोटी गाड़ियों की है। और एक बार जो लोग भी ब्लॉक पहुंचेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से प्रखंड क्वारंटीन कैंप में 21 दिन के लिए रहना है, जहां सरकार के द्वारा काफी अच्छी समुचित व्यवस्था की गई है। आज ट्रेन से भी जो आज आए हैं और अगले कुछ दिनों तक ट्रेन से जो आते रहेंगे उनके लिए भी एसओपी बना है। स्टेशन पर क्या कार्रवाई होगी, स्टेशन के बाद उनको उनके जिला मुख्यालय तथा प्रखंड क्वारंटीन कैंप तक पहुंचाने का ड्रिल है, वो भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रेन्स के बारे में मैं बता दूं, आप अवगत हैं आज केरल से दो ट्रेन चली है, दो ट्रेन आज केरल से प्रस्थान कर रही है, दोनों ट्रेन दानापुर कल पहुंचेगी। अन्य राज्यों से जो समन्वय हम लोग स्थापित कर रहे हैं, केरल जो अन्य ट्रेन है जहां हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं, तो एक जो सूचना हम लोगों को अभी मिल रही है वो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से संभावना है। कंफर्म होने के बाद हम लोग आपको सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से और डेली एक हम लोग ट्रेन का एक स्पेशल बना देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा सचिव जनसंपर्क से, हमारे वेबसाइट पर तो रहेगा, सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग जब आपको डेली संबोधित करते हैं वो आपको अवगत करा देंगे कि गाड़ियां कब चलेंगी और कहां पहुंचेंगी, उससे आप भी अवगत रहेंगे। कोटा से कल दो ट्रेन स्टार्ट होंगी। परसों सुबह में बेगूसराय एक ट्रेन पहुंचेगी और एक ट्रेन परसों गया दोपहर में के आसपास पहुंचेगी। एग्जैक्ट टाइमिंग डिपार्चर और अराइवल हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आपको बता देंगे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कल दो ट्रेन कोटा से चलेगी। और बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कोटा के बच्चों के बारे में, तो ये दो ट्रेन कल चल रही है और इसके बाद भी ट्रेन्स लगातार चलेंगी। हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं बिहार के वहां पर उनको हम लोग सकुशल बिहार वापस ले आए। तो कल दो ट्रेन का है, कल जब सूचना मुझे मिल जाएगी अगले दिन की ट्रेन की मैं आपको दे दूंगा। तो कोटा के लिए बिहार सरकार की पहल पर जो ट्रेन्स का परिचालन है जो कल से स्टार्ट हुआ, आज आया है श्रमिक स्पेशल, कल से स्टार्ट होगा कोटा बच्चों वाला, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से हम लोगों का समन्वय स्थापित है और जो बातचीत हो रही है प्रारंभिक रूप से, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको कल तक हम लोग यह भी सूचना दे देंगे कि गुजरात में अहमदाबाद और सूरत से ट्रेन कब चलेगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, आज रात तक जो मोडालिटीज है हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। यही मैं शुरू में कह रहा था, जो हमारे नोडल पदाधिकारी हैं उनका ये काम था सरकारी पदाधिकारियों से समन्वय। अनफॉर्चुनेटली वो नंबर्स सार्वजनिक होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी हो, जो जिस कष्ट में हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करते हैं सुबह और शाम। इसी प्रकार हम लोगों ने बात की है दिल्ली में, कर्नाटक में, कर्नाटक से भी संभावना है कि ट्रेन कल या परसों स्टार्ट हो। मोडालिटीज कंप्लीट है,
बिहार सरकार के द्वारा जो पत्र भेजना था वो हम लोगों ने कर्नाटक को भेज दिया है, बातचीत पूरी है, ट्रेन कब चलेगी वो कल हम लोग आपको जानकारी दे देंगे। संक्षेप में, हमारे जो भी बिहार के हमारे मजदूर भाई बहन वैसे लोग जो स्ट्रैंडेड हैं, हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे उनको लाना होगा ट्रेन के माध्यम से, उसकी पूरी तैयारी, उसकी मॉनिटरिंग, और एक बार जब वो बिहार आ जाएंगे तो उनको कैसे कहां तक पहुंचाना है उसकी भी एक एक चीज की तैयारी हम लोगों के द्वारा है। आप सभी लोगों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि कृपया जो हमारे हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, कृपया एक बार फिर हमारे देश भर के मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए सर्कुलेट कर दें कि कृपया वो लोग उस नंबर पे हम लोगों को सूचित कर दें, डिटेल लिखा दें कितने लोग हैं उनके साथ। हमारे सारी टीम बिहार भवन, मुख्यमंत्री ऑफिस और आपदा प्रबंधन विभाग में आप नंबर लिखवा दें। पूरी टीम दिन रात लगी हुई है 24/7। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनको हम बिहार वापस लाएं। बजे ट्रेन खुल गई है और दूसरी ट्रेन है तिरूर से दानापुर, जो 5:30 बजे खुल चुकी है। तो दो ट्रेन है, तिरूर से आ रही है और एर्नाकुलम से। तो अगर आप लिखेंगे तो जो भी बिहार में उनके परिजन हैं उनको एक अंदाजा रहेगा, एंड आई एम श्योर मोबाइल के युग में वो सारी जानकारी दे रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी हम लोग कोटा में हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको ट्रेन के माध्यम से हम लोग ले आ रहे हैं, और हम लोग यह भी सूचना हमारे हेल्पलाइन जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बनाया है तो उस पर यह सूचना संग्रहण कर रहे हैं देश भर में हमारे बच्चे और कहाँ हैं। जैसे कोटा में 11,130 यह आंकड़ा हम लोगों के पास था, जिलावार कोटा जिला प्रशासन के मदद से हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है। उसी प्रकार अन्य राज्यों का कर रहे हैं, एक बार वो रेडीनेस में आ जाएगा उस पर कोई पॉलिसी निर्णय लेंगे, आपको अवगत करा देंगे। सर, दिस पेमेंट हैज टू बी मेड बाय द पैसेंजर्स। जब ये सूचना आ रही थी कि माइग्रेंट मजदूर स्टूडेंट स्ट्रैंडेड पीपल, तो ऑलमोस्ट सभी चैनल इस फिगर के इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का, तो काइंडली एक चीज आप सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे और आप लोग भी बात कर रहे होंगे, आई एम श्योर हम लोग भी बात कर रहे हैं। कतिपय राज्यों में जहां पर कामकाज रिलैक्स कर दिया गया है, कई लोग फोन पर कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, पैसा उनको 1,000 मिला है। इसलिए अभी कोई आंकड़ा कहना 28 लाख है कि 32 लाख है कि 10 लाख है, हम सरकार में हम लोग अपनी तैयारी इस ढंग से कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोगों ने पेमेंट लिया है हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से सभी प्रखंड स्तर पर और उसके नीचे तक जाकर हम तैयार हैं। अब वो फाइनली ट्रेन्स को आपको मैंने बता दिया, डेली आप लोगों को सूचना रहेगी और आप भी अवगत होंगे कि 70-80% लोग तो ट्रेन के माध्यम से ही आएंगे, तो उसकी सूचना आपको भी रहेगी। और उसके अलावा अगर कतिपय राज्यों से, जैसे अभी उड़ीसा में जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेर के बच्चे स्ट्रैंडेड थे, गए हुए थे नवरंगपुर, तो वहाँ के डीएम का फोन आया है कि डीएम नवरंगपुर उड़ीसा, बिहार के बच्चे जो गए थे किसी कंपटीशन में, उनको वो अपनी गाड़ी से वहाँ से भेज रहे हैं। तो वो नंबर्स भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, कितने लोग बॉर्डर पर आएंगे, डीएम्स तक कैसी सूचना पहुँचेगी, और आपदा प्रबंधन के वेबसाइट पर भी अब हम लोग कल परसों में इसको अपडेट कर देंगे।